नमस्कार, मैं प्रेम कुमार, प्रेम एमसी ट्रेन गया। और आज का देखिए, मेरा फाइनल जो प्रॉफिट है वो 5,5600 रुपीज है, 5,625 रुपया। तो समझेंगे कैसे हमारा एंट्री बना था, एक एक करके हम आपको बताएंगे कहाँ पे एंट्री बनी थी, पूरा तो चार्ट एनालिसिस करके बताएंगे आपको। तो चलिए हम आपको चार्ट में ले चलते हैं और चार्ट पे आपको दिखाएंगे कि हमारा एंट्री कहाँ पे बना था। तो ये देखिए, आज का नेचुरल गैस का चार्ट है और नेचुरल गैस के ऊपर जो हमारा एंट्री निकल करके आई है वो देखिए। आप लोग बोल रहे होंगे ये देखिए हमारा एक सपोर्ट की लाइन थी, ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट, तीन तीन सपोर्ट की लाइन थी, कहीं पे भी एंट्री बन सकता था। देखिए यहाँ पे रिवर्सल कंडस्ट्रिक्शन बना है, ये रेड वाली कैंडल्स, इसको हैमर बोलते हैं लोग, और हैमर है भी, लेकिन हैमर के साथ साथ दूसरे कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रही है। देखिए जब भी आपका हैमर बनता है तो उसमें आप चेक कीजिए कि हैमर बनने के बाद सेकंड कैंडल्स की ओपनिंग कहाँ हो रही है। ये जो है हैमर्स की ओपनिंग जो है हाई तोड़ दे पहले ही, ऐसा नहीं कि ओपनिंग जो है इसके बॉडी के नीचे आए। इसके बॉडी के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे दूसरे टाइप का रिवर्सल कनेक्टिवन बन गया है, इसलिए हमें ये सब सारी सारी चीजों को भी ध्यान रखना है। देखिए आप लोगों को ये लगा होगा कि अभी ये हैमर का हाई ब्रेक किया और हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया, और नीचे आकर के हमारा टाइम स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया। आप क्या बोलेंगे कि टाइम स्टॉप लॉस जो है हमारा हिट हो गया, लेकिन टाइम स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एंट्री बना ही नहीं था, हमारे जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग करके जो हमारे कमांडो है उनके लिए विशेष करके ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि इस चीज को समझिए, टाइम स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं हिट हुआ है, क्योंकि इसका ओपनिंग जो है नीचे आया है तो फिर आपको दूसरे जो कैंडल स्टिक बताया गया था उसका वेट करना चाहिए। तो फाइनली हमारा जो एंट्री निकल करके आई है वो इस जगह पे आई है, इस जगह पे बाइंग हुई है। बाइंग की प्राइस की अगर बात की जाए तो 511 रुपया पे हुआ है, और 511 से मार्केट 28 रुपया गया है, मीन्स 17 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। 17 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता अगर आप एक लॉट के ऊपर ट्रेड करते तो 20,000 रुपीज का प्रॉफिट होता। देखिए हमारा 5,600 का प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट ऊपर से फिर नीचे गिर गई थी, नीचे गिरना शुरू हो गया था, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस था ही नहीं ऊपर, तो हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। हमें लगा कि मार्केट ऊपर में ही बंद होगा, बट जैसे ही गिरना शुरू किया हम लास्ट में छोटा सा प्रॉफिट पे एग्जिट कर लिए। वो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था बट वहाँ पे एग्जिट हो गया। तो ये स्ट्रेटजी थी आज के नेचुरल गैस के ऊपर, और ये सीख भी है हमारे कमांडो को, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ये इसको हैमर माने, ये हैमर है लेकिन हैमर के साथ भी दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न बन सकता है। तो सेकेंड कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग पे भी ध्यान देना, सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग अगर उसके गैप डाउन आ रही है तो वो दूसरा कैंडल बन सकता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं आती तो दूसरा कैंडल्स नहीं बनता। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, और यहाँ पे हमारा टाइम स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था नेचुरल गैस एनालिसिस। अब हम चले आपको दिखाते हैं एक बार कॉपर की, कि अगर हमारे स्ट्रेटजी पे कॉपर में ट्रेड किया हुआ होता तो क्या होता। तो देखिए आज जो है हमें कॉपर में इस जगह पे ट्रेड करना था इवनिंग सेशन में, क्योंकि इवनिंग सेशन में पता है कि किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम एंट्री करते हैं, और हमारे जो स्पेशल क्लासेस है क्रूड और कॉपर के लिए वो बोल रहा था कि आज सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है, सेलिंग नहीं करना है। तो बाइंग करना था तो ये बाई बना, और इंडिकेटर्स भी हमारी सपोर्टेड थी, हर चीज़ें सपोर्टेड था, तो इसलिए हमें बाई करना था। और बाइंग का प्राइस की अगर बात की जाए तो 813.50 रुपये पे, और वहाँ से मार्केट गया 22 रुपया, यानी कि लगभग लगभग 8 रुपया से, 8 रुपया मान के चलिए 8 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। 8 रुपये का मतलब 20,000 रुपये का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट एक लॉट के ऊपर देखने के लिए मिला है हमारे सिस्टम के अनुसार, हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार। देखिए अगर आप आज आपका कॉपर में लॉस हुआ तो लॉस तो नहीं होता, हो सकता है वो प्रॉफिट आज 10,000 आप करते, 5,000 करते, 15,000 करते, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी कि 20,000 रुपये का प्रॉफिट करते। और कॉपर और क्रूड में तो स्पेशल क्लासेस दिया जाता है जिससे आपको पता होगा कि आज हमें सिर्फ बाइंग ही करना है, जैसे आज के अनुसार सिर्फ बाइंग करना था, सेल का ऑर्डर लेना ही नहीं था, कोई भी सेलिंग बन जाती है हम सेल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते। ये पहले से आपको इंडिकेट रहेगा कॉपर और क्रूड में कि क्या करना है आपको। ये था हमारा कॉपर की एनालिसिस, और आज एक लॉट के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो 20,000 रुपीज प्रॉफिट करते हैं आप वन लॉट के ऊपर। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे क्रूड में, कि क्रूड में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहाँ पे एंट्री बनती। और देखिए ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, और इसमें ट्रेंडिंग मार्केट्स में हमारी एंट्री बनी है, ट्रेंडिंग मार्केट्स में एंट्री बना था, और ये देखिए हमारा जो एंट्री निकल करके आया है वो इस जगह पे एंट्री निकल कर आया है। यहाँ पे हम इवनिंग सेशन में बाई करते, और इवनिंग सेशन में जो बाई का प्राइस है वो 7,461 रुपया का है, 7,461 रुपया पे हमारा बाइंग होता, और 7,461 से जो मार्केट ऊपर गया है समझ सकते हैं 7,718 रुपया, यानी कि 50 पॉइंट्स
350 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो आप अगर एक लॉट के ऊपर भी क्रूड में ट्रेड करते तो 35,000 रुपये का प्रॉफिट होता आपका, 35,000 रुपीज का प्रॉफिट होता। और बहुत ही अच्छा, देखिए अगर आप क्रूड में लॉस किए हैं सेल कर करके, तो देखिए गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि मार्केट चलता कैसे है, मार्केट के चलने का बिहेवियर क्या है, कैसे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिहेव करता है। तो आप भी अगर ये सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारा सेमिनार को ज्वाइन कीजिए। हमारा नेक्स्ट जो सेमिनार होने वाला है मई में, वो 13, 14, 15, 16 को होगा, 13, 14, 15, 16 और 17। एक सेकंड, एक बार कंफर्म हो लेते हैं कैलेंडर्स देख करके, अप्रैल मई में, हाँ 13, 14, 15, 16, 17 मई को होगा। 5 दिन की सेशन है, 3 दिन हमारा ट्रेनिंग चलेगी प्लस 2 दिन का लाइव ट्रेड है। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसका फी जो है 51,000 रुपीज है, इसका फी जो है 51,000 रुपीज है। और अभी एक ऑफर चल रहा है जो अभी 41,000, अगर अभी आप से बुक करते हैं 22 अप्रैल तक, ये 41,000 में हो जाएगी। 22 अप्रैल तक अगर आप सीट को बुक करते हैं तो 41,000 में हो जाएगी, क्योंकि हमारा बर्थडे पे स्पेशल ऑफर दिया गया था और इसको इंक्रीज किया गया है मेरे मैरिज एनिवर्सरी तक, जो 22 अप्रैल को है मेरा मैरिज एनिवर्सरी। तो मैरिज एनिवर्सरी तक ये इसको बढ़ाया गया है, 41,000 में किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 5,000 रुपीज ट्रांसफर करना है और आपको एक आईडी प्रूफ भेजनी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, और वो बेसिक ट्रेनिंग घर से कंप्लीट करके आना है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आपको सेमिनार में नहीं आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको घर से तैयारी कर करके आना है, बहुत कुछ कुछ नॉलेज है जो आपको घर से ले करके आना है। तो वो बेसिक अगर आपका अच्छा रहेगा तभी आप यहाँ पे सही कर पाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं कि जब आपको आना हो उस समय सीट को बुक कीजिए, ऐसा नहीं, आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपको सीट बुक करना चाहिए, ताकि आप जो है अच्छे से उसको समझ सके, बेसिक आपका अच्छा कंप्लीट हो सके। तो बेसिक को कंप्लीट करना है तभी आपको आना है, रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास शेयर कीजिए, ताकि देखिए जिन्हें लगता है कि इस मार्केट में लॉस नहीं हो सकता, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ये मार्केट जुआ है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड के केस तक पहुँच सकते हैं, तो उनका जान को बचाइए। अगर हो सकता है कि आपके इस वीडियो को शेयर करने की वजह से उसकी जान बच जाए, तो हमारा जो मुहिम चल रहा है कि इंडिया के हर कोने में मेरा कमांडो होगा और हर कमांडो का अकाउंट कैसे पॉजिटिव होगा, उस पर काम कर रहे हैं। तो आप भी इस मुहिम में भागीदारी बनाएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी आप नए हैं इस हमारे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू।